हेलो फ्रेंड्स मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूबल इनवेस्ट फोर एवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुथूत फाइनेंस रिलेटेड मुथूत फाइनेंस बहुत टाइम हो गया हमने यहाँ पर कभी कवर नहीं किया बहुत टाइम पहले हमने यहाँ पर जरूर कवर किया था जब यहाँ पर मार्केट में एक अच्छी खासी रैली चल रही थी उसके बाद से हमने कभी इसे कवर नहीं किया बट अब एक मौका मुझे लग रहा है कि यहाँ पर वीडियोज बनानी चाहिए मुथूत फाइनेंस के ऊपर तो हम इसे यहाँ पर कवर अप कर रहे हैं तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और मुथूत फाइनेंस ओके इस पर्टिकुलर स्टॉक से रेट के फंडामेंटल्स और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसे हम देखेंगे बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा इन्वेस्ट फोर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को ये के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो मिलती रहे बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें और हम किस तरीके से स्टॉक्स को पहचानते हैं किस तरीके से हम स्टॉक्स को एक ही नजर में देख के यहाँ पर रजिस्टर सपोर्ट की यहाँ से भागेगा गिरेगा ओके स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है कितने यहाँ पर गेन के लिए हमें यहाँ पर जाना है वो सब चीज जानने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है तो यहाँ पर आप एनरोल कर सकते हैं हमारे जहाँ पर काफी सारी मनी मैनेजमेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन स्टॉक स्टॉक मार्केट मार्केट और जिससे पर कौन से स्टॉक्स को फायदा मिलेगा व्हाट इज द कैश डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल एनालिसिस ट्रेडवर से इन्वेस्टर एजेट एलोकेशन एंड कॉर्पोरेट एक्शन और ऑपरेटर किस तरीके से यहाँ पर गेम प्लान करते हैं और स्टॉक्स की रिसर्च कैसे की जाती है आपने देखा है कि मैंने सनलॉक बताया पैंतीस रुपए पे एक सौ इकहत्तर रुपए जाके दिखा इसके अलावा मुरार का फाइनेंस कुछ टाइम पहले दिखाया और अलग अलग स्टॉक्स में आपको यहाँ पर बताता रहता हूँ तो वो छोटे छोटे स्टॉक्स कैसे पर अच्छी खासी रैली देते हैं तो वो सब चीज एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस ये आपको सिखाई जाएगी पर बेसिक टू एडवांस जिसे हमने यहाँ पर पकड़ा पकड़ते साथ हम यहां पर स्टॉक्स में एंट्री ले ली और अच्छा खासा रिटर्न कुछ ही टाइम में यहाँ पर मिलता हुआ नजर आए तो कॉन्टेक्ट करिएगा इस पर्टिकुलर नंबर पे नीचे यहाँ पर नंबर दे रखे हैं इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लिए और अच्छा खासा पैसा यहाँ पर किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी एटलीस्ट ये सबसे बड़ी चीज होती है क्योंकि हम यहाँ पर किसी की एडवाइस के लिए इधर उधर हम क्या करते हैं घूमते रहते हैं तो यहाँ पर सारी डिटेल्स है बाकी आप अगर आई में अकाउंट ओपन कराएंगे इस लिंक से तो फिफ्टीन स्टॉक्स का पोर्टफोलियो आपको एक बना के दूंगा जिसमें स्मॉल कैप मिड कैप ब्लू चिप्स स्टॉक्स है और अच्छा खासा वो आने वाले टाइम में आपको परफॉर्म करते दिखाई देंगे बाकी कोई क्वेरीज है नंबर पे कॉन्टेक्ट करिए फिफ्टीन मिनट्स कॉल आप वीडियो कॉल और ओवर द तो फोन हमसे जान सकते हैं तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं मुस्थूत फाइनेंस की मुथूत फाइनेंस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंडिया का कह लीजिए या फिर वर्ल्ड का कह लीजिए गोल्ड लोन के मामले में सबसे बड़े यहाँ पर ये नजर आते हैं लार्ज कैप कंपनी है इकतालीस हजार सात करोड़ थाउजेंड के आसपास का क्या है मार्केट कैप है इनका कंपनी क्या करती है तो मुथूट फाइनेंस इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ डाइवर्सिफाइड इंटरेस्ट इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस सर्विस हेल्थ केयर रियल इस्टेट प्लानेशन फॉरन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज हॉस्पिटैलिटी तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर बिजनेस में कंपनी अपने आप को बढ़ाती हुई नजर आ रही है और मेन जो हम बुथूट फाइनेंस को हम जानते हैं वो किस वजह से जानते हैं गोल्ड लोन के मामले में फास्टेस्ट ग्रो, ग्रोथ पीरियड यहां पर देखा था 2007 से 2013 के बीच में ड्यू टू रैपिड इंक्रीज इन गोल्ड प्राइस गोल्ड प्राइस के रेट भी बढ़े थे और गोल्ड के मामले में नंबर वन भी है जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ एयूएम कंपनी की अच्छी खासी है ओके कंपनी अच्छा खास है पर परफॉर्मेंस करके हमेशा दिखाता रहा है और बहुत सारी चीजें अगर आपको जाननी है कंपनी के बारे में आप यहाँ पर जान सकते हैं जाके एक बार देख सकते हैं फाइनेंस पे जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं तो कंपनी का पी की बात करें ग्यारह का पी है और इंडस्ट्री का पी पच्चीस है तो आपको कहीं ना कहीं सस्ता पी दिखाई दे रहा है और एनबीएफसी कम पी पे ही मिलेंगे पहली बात दूसरी बात कभी भी एनपी को देख के हमें कभी भी स्टॉक्स को जज नहीं करना है चाहे यहाँ पर पी इसका सौ हो या इसका पी केवल एक ही क्यों ना हो तो पी को देख के हमें कभी भी स्टॉक्स ना तो लेना होता है ना ही बेचना होता है इस चीज को हमेशा ध्यान में रखेगा ROC, की बात करें तो फोर्टीन परसेंट है बट मोस्ट प्रोबेबली जो अच्छी बेहतरीन होती है ओके उसे ROE कहते हैं बड़े बड़े लोग जो देखते हैं को को कम ज्यादा देखते हैं तो आर ओई ट्वेंटी के ऊपर है तो अच्छा है यहाँ पर हाई प्राइस की बात करें सत्रह सो तेईस पर यहाँ पर गया था उसके बाद गिर के थाउजेंड रुपीज के आसपास चल रहा है दस का फेस वैल्यू है स्प्लिट भी मिल सकता है आने वाले टाइम में बट इस स्प्लिट के रीजन से शेयर की अगर हम बात करें आने यहाँ पर यहाँ पर स्प्लिट आना था

एटी सिक्स रुपीज तक पहुंच गया था लगभग फिफ्टी परसेंट से ज्यादा गिर गया था फिर उसके बाद यहाँ पर आप ग्रोथ देख सकते हैं तो ऐसे स्टॉक्स गिरते भी रहते हैं बट अपने आप को एक जो हम बात कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड का नंबर वन यहाँ पर गोल्ड लोन के मामले में आता है तो सी बात है कि ऐसे स्टॉक्स फिर जंप करना भी जानते हैं जिनके बिजनेस में जम होता है वो ऊपर की तरफ भाग भी जाते हैं पांच साल में सत्ताईस के सी से पैसा बढ़ा है ये काफी अच्छी बात है छब्बीस के हिसाब से आर बढ़ा है बढ़ाए तीन साल तक ये अच्छी बात है

कंपनी पॉजिटिव है कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट है और आने वाले टाइम में और अच्छा खासा प्रॉफिट आने की यहाँ पर उम्मीद है कंपनी के ईयरली बेसिस पर परफॉर्मेंस देखेंगे तो ये एक बेहतरीन नंबर्स है और जब इस तरीके के नंबर कोई चीज

चीज़ बताती है कि कंपनी पर अच्छा-खासा ग्रोथ कर रही है रुपए का डिविडेंड पर कंपनी हर साल पे करते हुई नजर आ रही है इसके अलावा बोरिंग की बात करें बोरिंग हम यहाँ पर देखेंगे नहीं क्यों नहीं क्योंकि कंपनी एनबीएफसी है इनका काम ही गोल्ड लेके बोरो बोरिंग देना है तो जितनी बोरिंग रहेगी वो इतना पॉजिटिव रहता है तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोड़ 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 के पास, 1500 करोड़ के आसपास आसपास लगभग है। 52 करोड़ रुपीज वर्किंग प्रोग्रेस में कैश की बात और भी कुछ चीजों की बात करें तो कंपनी की एक पॉजिटिव चीज मुझे यहाँ पर और दिखाई दे रही है कि कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पर मार्च में अड़तीस के आसपास नेगेटिव में था इससे पहले 2021 में भी 7000 के आसपास था और अब यहाँ पर थोड़ा सा और कम हो गया जो कि एक बात है हिस्सेदारी तो ओके okay, बट कब घटा लेते हैं कब बढ़ा लेते हैं आपको नहीं पता चलेगी अगर आप सोचेंगे कि अभी घट रही हम बेच देते हैं जब ये बढ़ाएंगे तब लेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगी धीरे धीरे कब, कब कब में यहाँ पर इनकी जो होल्डिंग है वो बढ़ती हुई नजर आएगी डीआईआई ने लगातार यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है पब्लिक की होल्डिंग पांच परसेंट की है जो पांच परसेंट के शेयर यहाँ पर मार्केट में लिस्ट है तो पांच परसेंट के शेयर बहुत ज्यादा रहते हैं नो डाउट बट यहाँ पर बड़े बड़े लोग यहाँ पर इंक्लूड होंगे नोट इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है शेयर की बात करें शेयर ऑलरेडी यहाँ पर कितना लगभग फोर्टी टू परसेंट यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया था उसके बाद एक दो दिन से जंप है ओके फिर भी फोर्टी परसेंट के आसपास शेयर यहाँ पर अभी भी गिरा हुआ है और यहाँ पर देखेंगे तो एक सपोर्ट एक बेहतरीन तो सपोर्ट लेके बार यहाँ पर अगर आप पचास सौ रुपए यहाँ पर नीचे देख सकते हैं शेयर को तो यहाँ पर आप हिस्सेदारी ले सकते है तो यहाँ पर ये यह शेयर बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद हेल्प स्टडी करने के बाद बट कंपनी यहाँ पर अच्छी नजर आती है इस चीज को ध्यान रखिएगा कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रही है इस चीज को ध्यान रखिएगा कंपनी आने वाले टाइम में और जिस तरीके बैंकिंग एनबीएफसी चलते हुए नजर आ रहे हैं ये शेयर भी फिर पीछे नहीं रहने वाला इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखिए तो सबसे पहला टारगेट क्या है क्या सपोर्ट है क्या लेवल है वो सब हम पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले तो जो ये यह यहाँ पर दिखाई दे रहा है यही एक बेहतरीन सपोर्ट है अगर ये टूटता है तो यहाँ पर शेयर गिर सकता है और गिरने के बाद यहाँ पर एक बेहतरीन इसका सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ सौ रुपए का अगर लॉस ले सकते हैं तो यहाँ पर एंट्री के बारे में सोच सकते हैं एज वेल एज यहाँ पर अगर हम बात करें स्टॉप लॉस यही रहेगा सबसे पहले स्टॉप लॉस ये है दूसरा स्टॉप लॉस ये है अगर इससे भी नीचे गिरता है तो चुपचाप बेच के निकलना है दूसरी बात अगर हमें यहाँ पर इस पर्टिकुलर लाइन से अगर यहाँ पर ऊपर चला जाता है लगभग एक से ऊपर शेयर चलता है तो हमें एंट्री ले लेनी है उसके बाद शेयर यहाँ पर रुकने नहीं वाला क्यों क्योंकि सबसे यहाँ पर रेजिस्टेंस नजर आता है ये ये एक बेहतरीन रेजिस्टेंस नजर आता है एज वेल एज यहाँ पर चार्ट भी बनते हुए नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर रिवर्स एंड एंड शोल्डर पैटर्न बन के सबसे पहले बारह सौ रुपये पे शेयर जाएगा ओके और बारह सौ रुपये पे एक बार अगर शेयर आया और थोड़ा सा रिट्रेस हुआ तो यहाँ पर फिर शेयर यहाँ पर रुकने नहीं वाला धीरे धीरे करके यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बनाएगा ओके और राउंडिंग बॉटम बना के शेयर यहाँ पर क्या करेगा अपने ऑल टाइम हाई तक जाने की पूरी कोशिश करेगा और अच्छा शेयर है ऐसे शेयर यहाँ पर रुकते नहीं है मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतने कम प्राइस पे अगर शेयर मिल रहा है तो कुछ ना कुछ इस पर बात है

ताकि मैं आपको बता सकूँ कि एग्जैक्टली exactly क्या पढ़ाने वाले और इससे आपको क्या लाभ होगा बाकी जब वीडियो डालूंगा फीडबैक की तब आप देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर चीजें अच्छी आपके लिए बनती हुई नजर आएगी सो थैंक यू सो मच फॉर प्लस